दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं है कि MCU प्रॉपर सुपर हीरो यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो चीज वार्नर ब्रोस DCEU के साथ नहीं कर पाए थे वाल्टर हमाडा के टाइम पर। बट नाउ द टेबल हैज टर्न्ड एंड अब DC स्टूडियोज की सारी रिस्पांसिबिलिटी वार्नर ब्रोस के नए CEO डेविड जेस्लब ने जेम्स गन एंड पीटर सैफ्रॉन को दे दी है। तो हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ टाइम में DCU सिनेमैटिक यूनिवर्स के मामले में MCU को भी पछाड़ने वाला है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। टुडे हम इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जिससे ये पता चलेगा कि कैसे आने वाले टाइम में DC स्टूडियोज मार्वल स्टूडियोज से भी ज्यादा सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स होने वाला है। सो DC फैंस, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर रहिएगा जिससे कि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूँ मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों ये तो सबको पता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से मार्वल स्टूडियोज ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को क्रिएट किया है। यही कारण है कि आज के टाइम में हॉलीवुड में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स कोई भी दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं है। बट रिसेंटली जेम्स गन एंड पीटर सैफ्रॉन ने भी डीसी स्टूडियोज के लिए एक ऐसा बाइबल तैयार कर लिया है जिससे ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में डीसी स्टूडियोज सिनेमैटिक यूनिवर्स के मामले में डेफिनेटली MCU को भी पीछे छोड़ सकता है। तो ये रहे कुछ पॉइंट जिससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे DCU आने वाले टाइम में MCU को भी पीछे छोड़ सकता है। सबसे पहला पॉइंट है कैरेक्टर्स राइट्स इशू। बता दूं कि MCU चाहे जितना भी सक्सेसफुल हो, लेकिन कैरेक्टर्स के राइट्स को लेकर MCU को शुरू से ही स्ट्रगल करना पड़ा है। वो तो होपफुली आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर एंड और भी कैरेक्टर्स के मूवीज ने, इसके अलावा RDJ एंड क्रिस इवान जैसे एक्टर के जबरदस्त परफॉर्मेंस ने एंड मूवीज को इंटरकनेक्टेड रखने के केविन फैगी के आइडिया से ही आज MCU एक सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। लेकिन X-Men, फैंटास्टिक फोर, हल्क सोलो मूवी, घोस्ट राइडर एंड स्पाइडरमैन से रिलेटेड सारे ऑसम कैरेक्टर्स हमें आज तक MCU में इसलिए प्रॉपरली देखने को नहीं मिले हैं क्योंकि इन सारे कैरेक्टर्स के राइट मार्वल ने अपने बुरे टाइम पर दूसरे स्टूडियोज को बेच दिया था, जिस कारण वो MCU में इन सारे कैरेक्टर्स को नहीं दिखा सकते थे। लेकिन अब MCU में फैंटास्टिक फोर, X-Men, घोस्ट राइडर जैसे कैरेक्टर्स फ्यूचर में देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कुछ टाइम में इन सारे कैरेक्टर्स के राइट MCU में आने वाले हैं। लेकिन अभी भी हल्क के सोलो मूवी एंड नेमोर के कैरेक्टर्स के राइट्स MCU के पास नहीं है एंड वकांडा फॉरएवर मूवी में नेमोर के कैरेक्टर को दिखाने के लिए MCU को किसी तरह का डील करना पड़ा था, जैसा कि वो टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के लिए करते हैं। तो हाँ, अभी भी MCU को कुछ कैरेक्टर्स के राइट को लेकर इशू हो रहे हैं। इधर दूसरी तरफ देखें तो DC स्टूडियोज में कैरेक्टर्स के राइट को लेकर शुरू से ही कोई इशू नहीं रहा है क्योंकि DC स्टूडियोज के पास उनके सारे कैरेक्टर्स के राइट्स हैं। लेकिन वाल्टर हमाडा के टाइम पर इन सारे कैरेक्टर्स को होने के बाद भी कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिली थी DC स्टूडियोज से। लेकिन अब डेविड जेस्लब के राज में ऐसा माना जा रहा है कि जेम्स गन एंड पीटर सैफ्रॉन इन सारे कैरेक्टर्स को एक प्रॉपर वे में यूज करने वाले हैं DC स्टूडियोज में, खासकर सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश, एक्वामैन एंड हार्ली क्वीन जैसे कैरेक्टर्स पर सबसे पहले फोकस किया जाएगा। तो अगर जेम्स गन ने इन सारे कैरेक्टर्स को प्रॉपर यूज कर लिया तो डेफिनेटली DCU MCU को फ्यूचर में पीछे छोड़ सकता है। अगला पॉइंट है आर रेटिंग फैक्टर। जैसा कि आपको पता है कि MCU वाले शुरू से ही आर रेटेड से दूर रहे हैं बिकॉज ऑफ डिज्नी, लेकिन धीरे धीरे फैंस MCU से ये उम्मीद लगाने लगी कि MCU में भी आर रेटेड प्रोजेक्ट होने चाहिए, बट बिकॉज ऑफ डिज्नी ऐसा नहीं हो पाया। जबकि मैं आपको बता दूं कि मून नाइट फुल्ली आर रेटेड कैरेक्टर है, लेकिन MCU का मून नाइट शो बिल्कुल भी आर रेटेड नहीं था, जो बात फैंस को ज्यादा पसंद नहीं आई थी। एंड माना जा रहा है कि MCU की अपकमिंग डेयरडेविल बॉर्न अगेन शो एंड ब्लेड मूवी को भी ये लोग PG-13 रखने वाले हैं, जो किस तरह से पॉसिबल है ये तो MCU वाले ही जानते हैं। लेकिन रिसेंटली ये रूमर्स निकल कर आए हैं कि MCU का जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन शो है वो आर रेटेड होने वाला है। दूसरी तरफ DC का शुरू से ही ये रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने कुछ प्रोजेक्ट को डार्क के साथ साथ आर रेटेड भी रखने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं, जैसा कि DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के स्टार्ट होने से पहले से ही ये लोग कॉन्स्टेंटाइन एंड वॉचमैन जैसे आर रेटेड प्रोजेक्ट दे चुके हैं। DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स को क्रिएट होने के बाद भी DC की ज्यादातर एनिमेटेड मूवीज आर रेटेड रही हैं, लेकिन इसके अलावा लाइव एक्शन मूवी में भी सुसाइड स्क्वाड, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग मूवीज एंड पीसमेकर शो फुल्ली आर रेटेड रखी गई थी एंड फैंस को ये प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स पसंद भी आए थे। तो यहाँ ये बात साबित हो गई है कि वार्नर ब्रोस डीसी स्टूडियोज में भी आर रेटेड प्रोजेक्ट बनाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ तक कि जेम्स गन खुद भी आर रेटेड प्रोजेक्ट पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद सुसाइड स्क्वाड को डायरेक्ट किया था। क्योंकि अब ऐसा टाइम आ गया है कि PG-13 से ज्यादा लोग आर रेटेड प्रोजेक्ट को पसंद कर रहे हैं, तो हाँ ऐसा माना जा रहा है कि अपने इस खासियत से भी DCU MCU को पीछे छोड़ सकता है। अगला पॉइंट है फुल्ली इंटरकनेक्टेड प्रोजेक्ट्स। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि MCU को एक सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है MCU के सारे मूवीज का इंटरकनेक्टेड होना, जिसके बाद MCU में जितने शो भी देखने को मिले हैं वो भी पूरी तरह से MCU के मेन यूनिवर्स से कनेक्टेड थे। लेकिन अगर हम MCU के एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स एंड गेम की बात करें तो यहाँ MCU वाले पीछे रह गए। कहने का मतलब ये है कि MCU के मूवीज एंड शो तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन मार्वल के एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स एंड गेम बिल्कुल भी MCU के मेन यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद MCU और ज्यादा पॉपुलर सिनेमैटिक यूनिवर्स बन जाता। दूसरी तरफ DC स्टूडियोज की बात करें तो डेविड जेस्लब ने अपने स्टेटमेंट में ये साफ साफ बोल दिया है कि उन्होंने जेम्स गन एंड पीटर सेफ्रॉन के साथ मिलकर DC स्टूडियोज के 10 ईयर्स प्लान में ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का प्लान किया है जिसमें मूवीज एंड शो तो इंटरकनेक्टेड रहेंगे ही, लेकिन इसके अलावा एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स एंड गेम भी DCEU के मेन यूनिवर्स से इंटरकनेक्टेड होने वाले हैं। तो जैसा प्लान है इन लोगों का, अगर प्लान के हिसाब से DC स्टूडियोज में सब ठीक चला तो डेफिनेटली इस मामले में भी DC स्टूडियोज फ्यूचर में मार्वल स्टूडियोज को भी पीछे छोड़ सकता है। अगला पॉइंट है फुल फ्रीडम टू क्रिएटर्स। जैसा कि आपको पता ही है कि MCU के यूनिवर्स को सक्सेस होने का एक रीजन ये भी है कि MCU को जब बिगिन किया गया था तो MCU के क्रिएटर्स के पास बहुत तरह की फ्रीडम थी कि वो अपने प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की क्रिएटिविटी कर सके, जिस कारण ही MCU के फेज 3 के एंड तक हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम जैसी मूवी देखने को मिली है। लेकिन जैसे जैसे MCU की सिनेमैटिक यूनिवर्स बनती गई तो वो क्रिएटिव फ्रीडम भी धीरे धीरे कम होने लगा क्रिएटर्स के लिए MCU में, क्योंकि अब उन्हें एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को ध्यान में रखकर ही अपनी मूवी या शो को बनाना पड़ता है। इसके अलावा थैंक्स टू डिज्नी कि उन्हें जितने भी प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं वो PG-13 के दायरे में रहकर बनाना पड़ता है, जिस कारण MCU के फेज 4 के ज्यादातर प्रोजेक्ट MCU की तरफ से कुछ खास निकल कर नहीं आए हैं। दूसरी तरफ DC स्टूडियोज की बात करें तो डेविड जेस्लब ने अपने स्टेटमेंट में ये साफ साफ बोल दिया था कि जेम्स गन एंड पीटर सेफ्रॉन का एक कमाल का विजन है DC स्टूडियोज के फ्यूचर के लिए, जहां उन्होंने ये भी बताया था कि वो लोग कुछ कमाल के डायरेक्टर्स एंड राइटर्स को सर्च कर रहे हैं जिनको DC स्टूडियोज के प्रोजेक्ट बनाने के लिए फुल्ली क्रिएटिव फ्रीडम दिया जाएगा। एंड क्योंकि ये लोग अभी DC स्टूडियोज को शुरू ही करेंगे तो बिगिनिंग के प्रोजेक्ट पर इनके क्रिएटर्स पर प्रेशर भी नहीं रहेगा कि एक यूनिवर्स को ध्यान में रखकर अपने प्रोजेक्ट्स को बनाएं। तो हाँ इस पॉइंट के हिसाब से भी DCU फ्यूचर में MCU को पीछे छोड़ सकता है। अगला पॉइंट है ऑलरेडी हैव 10 ईयर्स प्लान। MCU के बारे में ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा कि MCU की जब बिगिनिंग हुई थी आयरन मैन मूवी के साथ तो उन लोगों का ऐसा कोई विजन नहीं था कि वो एक सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड करेंगे। लेकिन उनकी मूवीज जैसे जैसे चलती गईं तो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि कैसे उन्हें एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना है, एंड वो इसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन दूसरी तरफ DC स्टूडियोज के फ्यूचर की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू डेविड जेस्लब, जेम्स गन एंड पीटर सेफ्रॉन ने ऑलरेडी एक बाइबल बना लिया है कि उन्हें DC स्टूडियोज के यूनिवर्स को किन प्रोजेक्ट्स एंड स्टोरीज के साथ बिल्ड करना है। तो आप लोग खुद ही समझदार हो, सोच लो कि जब MCU बिना प्री प्लानिंग के साथ इतना बड़ा एंड सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड कर सकते हैं तो DCU के पास तो एक पूरी बाइबल ऑलरेडी तैयार है। तो आप ही सोचो कि DCU फ्यूचर में कितना सक्सेसफुल होने वाला है। तो इस मामले में भी DCEU फ्यूचर में MCU को पीछे छोड़ सकता है। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जिससे ये क्लियर हो जाता है कि फ्यूचर में DCU ही एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स है जो कि MCU को पीछे छोड़कर हॉलीवुड का बेस्ट सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स का ताज अपने नाम कर सकता है। वेल, अगर आप जेम्स गन एंड पीटर सेफ्रॉन के प्लान के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने अपने इस वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। कर लो यार, अभी तक आप लोगों में से 80% से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को। तो भाई लोग, अगर वीडियो को देखते हो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, मुझे बस एक मोटिवेशन मिल जाती है जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। सो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूं। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।